हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ वंदना। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज का जो वीडियो है ना ही ब्लॉग का है, ना ही रेसिपीज़ का है, ना ही ट्रैवलिंग का है, ना ही कोई टिप्स है। ये जो वीडियो है, आप लोगों के साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि कल एनसीवी ने मुंबई की एक क्रूज से रेप पार्टी चलते हुए आर्यन खान को वहां से गिरफ्तार किया है ड्रग्स केस में। आर्यन खान जो कि किंग खान का बेटा है, यानी कि शाहरुख खान का बेटा है, तो गिरफ्तार के बाद उन लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ, उससे पता चला कि वो लोग ड्रग्स लेते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के पास कुछ ड्रग्स भी जब्त हुए हैं। हाँ, हालांकि ये नहीं अभी तक पता चला कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं कि नहीं। बाकी जो लोग थे उन लोगों का कॉन्टैक्ट से पता चला कि वो लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे। तो एनसीबी ने उन लोगों को, एनसीबी की जो वकील है, तो उन्होंने कोर्ट में ये पेश किया गया है कि वो 2 दिन के लिए रिमांड में लिया गया है आर्यन खान। उन पे जो धाराएं लगाए गए हैं वो बेलेबल है, यानी कि उन्हें बेल मिल सकता है। फिर भी उन्हें 2 दिन के लिए रिमांड में रखा गया है एनसीबी की, ताकि पूछताछ कर सके, आगे की जो जानकारी है उन्हें मिल सके। तो ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने का रीज़न यह है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी शाहरुख खान, किंग खान जी का बेटा आर्यन खान, छोटी उम्र में वो ड्रग्स ले रहे हैं। तो सोचिए उन लोगों का रियल लाइफ कैसा रहा होगा। तो हम लोग इन लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने लाइफ में एंट्री करवाते हैं, यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं इनको अपनी लाइफ में। ये हीरो हैं तो हम लोग इनकी लाइफ फॉलो करते हैं, इनका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो ये है इनका लाइफस्टाइल। तो देखिए, ये है लाइफस्टाइल का, ये है इनका काला सच जो हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है अभी। तो ये बात शेयर करने का रीज़न ये है कि पिछले साल जून आफ्टर डेथ ऑफ SSR, तो उनकी डेथ की, उनका क्या डेथ इंक्वायरी चल रहा था, तो ये के एंगल आया था ड्रग्स एंगल, जहाँ हमने देखा था बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का वीडियोस हमने देखा कि वो कैसे ड्रग्स ले रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार आए थे बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, तो हमने वहाँ पे भी देखा, इवन SSR को भी देखा। तो तब हम लोग सोच रहे थे कि हम बॉलीवुड देखना छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे तब फायर हो रहे थे कि आज से बॉलीवुड नहीं देखेंगे, ये प्रोडक्शन हाउस को हम नहीं देखेंगे, ये स्टार किड्स को नहीं देखेंगे, मूवीज़ वगैरह हम नहीं देखेंगे, तो देवदास बन जाएंगे, जीना छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडियाज़ पे उन्हें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल कर रहे थे इस ड्रग्स को लेके। तो हमने देखा बहुत बड़े स्टार ये एंगल में, तो ड्रग्स केस में इन्वॉल्व थे। तो अब देखिए, खान जी का बेटा जो खुद उनकी मूवीज़ में कहा करते हैं, मैं हूँ डॉन, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, तो शायद इसीलिए डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं था, तो इसीलिए डॉन को तो नहीं पकड़ पाए। शायद एनसीबी ने डॉन के बेटे को पकड़ लिया, छोड़ो वो जो भी हो। देखिए, इन लोगों का यही सच है, हम लोगों को इतना ज़्यादा, हम लोग इन्हें इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो अपनी लाइफ में, तो यह है इनका सच। तो प्लीज़ इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे अपने लाइफ में। तो ये कोई भगवान तो है ही नहीं, अगर भगवान भी धरती पर आएंगे तो हम लोग उन्हें देखने के लिए इतना ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होंगे जितना ज़्यादा भीड़ इन्हें देखने के लिए इकट्ठा होता है। तो यही है इन लोगों का सच। आगे देखते हैं क्या होता है एनसीबी का प्रोसेस। एनसीबी जो है बहुत कुछ ही दिनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ड्रग्स को लेके। तो आई होप कि ये केस एक अच्छा सा टर्न लेगा। तो जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व है या जिन लोगों का भी लिंक है, वो जल्दी से जल्दी उन लोगों का नाम बाहर आ जाए, ताकि हमें भी पता चले और कौन कौन इस केस में इन्वॉल्व है। तो इतने बड़े स्टार हैं, आगे को पता नहीं क्या होगा केस। तो जो भी हो, कुछ ही दिनों से एनसीबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ऐसे ही एक्टिव रहे। एंड होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, साथ ही साथ आप एक कमेंट में बताना कि आपका क्या कमेंट है इसको लेके। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, बाय।